तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड की सरकार ने एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही बुनियादी परिवर्तन लाने में वहां के सामाजिक समरसता के साथ सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, किसानों का अलग से, ट्राइबल्स का अलग से, महिलाओं का अलग से, इस तरीके से सभी के समाज के लोगों को जोड़ने का, अनुसूचित जाति का अलग से, तो आज रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रति लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से उनके लिए भी पेंशन की स्कीम, तो अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्कीम, और ट्राइबल्स के लिए तो मैंने बताया ही आपको कि 33 किलो के अनाज की व्यवस्था, ये सारी चीजें जो है वो नीचे तक पहुंचने का काम हुआ है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड, उनके सपोर्ट सिस्टम्स को और मजबूत करना, ये सारी चीजें हुई हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को रघुवर दास जी के प्रदेश के नेतृत्व में और मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो हो रहा है और जो सारी स्कीम्स नीचे तक जा रही हैं, उसने झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदली है, और इस कारण से आने वाले समय में झारखंड से बहुत अच्छे नतीजे सरकार हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके साथ मैं अभी अरुण सिंह जी से निवेदन करूंगा, हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो हमारे सीट्स हैं उनके बारे में तय हुआ है। कुछ हमने फर्स्ट फेज की तो हमने सारी डिक्लेयर कर दी है, सेकंड फेज की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, सभी स्टेजेस की, बाकी डिटेल्स अरुण सिंह जी आपके सामने रखेंगे। समिति आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक में थे और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी अन्य उस बैठक में चुनाव समिति में थे, और चुनाव समिति में जो नाम तय हुए हैं उनकी मैं घोषणा करता हूं। कुल अभी 52 सीटों की अभी जो चुनाव समिति में उनके नाम अप्रूव किए हैं उनकी मैं यहां से घोषणा करता हूं, और 81 टोटल सीटें हैं जिसमें से इनका ब्रेकअप मैं आपको भी देता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे श्री रघुवर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। इसके अलावा अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका मैं आपके समक्ष नाम पढ़ता हूं। राजमहल से सिटिंग सांसद श्री अनंत ओझा वह चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के महामंत्री हैं। बोरियो से सूर्या हंसदा, बरहट से सीमोन बोल्टू, यह चुनाव पार्टी ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको डिक्लेयर किया है। लिट्टीपारा से श्री धनियाल किस्कू, उसके अलावा महेशपुर से श्री मिस्त्री सोरेन, शिकारीपारा से श्री पारितोष सोरेन, नाला से श्री सत्यानंद झा बटुल, जामतारा से श्री वीरेंद्र मंडल इस मरांडी वह चुनाव वहां से लड़ेंगे, जामा से सुरेश मुर्मू, जारमुंडी से श्री देवेंद्र कुंवर, और मधुपुर से श्री राज पालीवाल, सारस से श्री रणधीर सिंह, देवगढ़ से नारायण राम दास, देवगढ़ से गुड्डा से अमित मंडल, महगामा से श्री अशोक कुमार भगत, कोडरमा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव वह कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी, बरही से श्री मनोज यादव, मांडू से श्री जेपी पटेल, हजारीबाग से सिटिंग विधायक मनीष जायसवाल, ये अभी विधायक वहां से, सिमरिया से श्री किशुन कुमार दास,
इसके अलावा चतरा से जनार्दन पासवान, बगोदर से डॉक्टर नागेंद्र महतो, जमुआ से श्री केदार हजारा, गिरिडीह से लड़ेंगे निर्भय शाहबादी, निर्भय शाहबादी को पार्टी ने टिकट दिया है। यहां से बेरमो से श्री योगेश्वर महतो बटुल, सिंदरी से श्री इंद्रजीत महतो, धनबाद से राज सिन्हा अभी पार्टी के विधायक है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, झरिया से श्रीमती रागनी सिंह, उसके अलावा बागमारा से श्री ढुलू महतो को पार्टी ने टिकट दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए, और बहरागोड़ा यहां से चुनाव लड़ेंगे श्री कुणाल सारंगी, गढ़शिला से लड़ेंगे लखन मार्डी, बाकी पोटका से जो एसटी सीट रिजर्व है वहां से श्रीमती मेनका सरदार लड़ेंगी, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री का मैं बता ही दिया। ईचागढ़ से चुनाव लड़ेंगे श्री साधु चरणपुर से श्री गुरुचरण नायक, तोरपा से श्री कोचे मुंडा, खिजरी से श्री रामकुमार बहार, रांची से प्रदेश सरकार में मंत्री और जिन्होंने बहुत अच्छा काम लगातार सरकार में किया है ऐसे श्री सीपी सिंह जी लड़ेंगे चुनाव। हटिया से सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल,